17वीं लोकसभा इस बार कुछ बदली नजर आएगी। दशकों से भारतीय राजनीति के रहे बड़े चेहरे इस बार नदारद होंगे। लालकृष्ण आडवाणी और एचडी देवगौड़ा समेत पांच नेता जो हमेशा से पहली पंक्ति में दिखाई देते थे वो इस बार नजर नहीं आएंगे। इन बड़े चेहरों ने या तो चुनाव नहीं लड़ा या उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक इस बार लोकसभा में पहली पंक्ति की 11 सीटें बीजेपी को मिलेंगी जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आएंगी। लोकसभा में 550 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये 550 सीटें 6 ब्लॉक में बटी हुई है। हर ब्लॉक में 11 पंक्तियां हैं। स्पीकर की दाई ओर पहला ब्लॉक और बाई ओर छठा ब्लॉक होता है। इन दोनों ब्लॉक में 97-97 सीटें होती है। बाकी बीच के 4 ब्लॉक में 89-89 लोगों के बैठने का इंतजाम होता है। इन 6 ब्लॉक में पहली पंक्ति में कुल 20 सीटें होती है। सदन की प्रक्रिया और कामकाज से जुड़े नियम नंबर 4 के मुताबिक लोकसभा सदस्य स्पीकर की बनाई हुई व्यवस्था के तहत बैठते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ये व्यवस्था सदन के निर्देश नंबर 122A के अनुसार करते हैं। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों को ब्लॉक और इनकी पहली पंक्ति में सीटें सदन में उनकी संख्या के अनुपात पर मिलती है। जैसे किसी एक लाइन में एक दल के कितने सदस्य बैठेंगे ये उस दल को चुनाव में मिली सीटों की संख्या और उस पंक्ति में सीटों की संख्या के गुणा को सदन की कुल सीटों से भाग देकर निकालते हैं। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या 352 है और पहली पंक्ति में 20 सीटें हैं। इसका गुणा कुल यानी 550 से भाग दें तो 13 आता है। इसलिए एनडीए को पहली पंक्ति में 13 सीटें मिलेंगी। इसमें 11 सीटें बीजेपी और 2 अन्य सीटें किसी और सहयोगी दल को मिलेगी। स्पीकर के दाईं ओर सरकार में शामिल दल बैठते हैं। इसमें पहले ब्लॉक में प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे, उनके साथ राजनाथ सिंह बैठ सकते हैं। अन्य 11 सीटों पर अमित शाह, नितिन गडकरी समेत मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य बैठेंगे। विपक्षी दल को बाकी बचे 2 ब्लॉक में सीटें मिलेंगी। इनकी पहली पंक्ति 7 सीटों में से 1 पर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बैठेंगे। सिटिंग फॉर्मूले के मुताबिक यूपीए को 3 सीटें मिलेंगी। इनमें 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर डीएमके सांसद बैठ सकते हैं। इन 2 ब्लॉक की पहली पंक्ति की बची 4 सीटों पर अन्य दल जैसे टीएमसी, सपा, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के नेता बैठ सकते हैं। बीजेपी ने इस बार अपने 75+ फॉर्मूले के तहत कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया। इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं। ये ऐसे नेता थे जो लोकसभा में पहली पंक्ति में बैठते आए हैं। इनके अलावा सुषमा स्वराज भी स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ी। इन 3 बड़े चेहरों की जगह अब अमित शाह, नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद पहली पंक्ति में देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।